राम राम जी। ये हमारा गांव मुठुर था, इसका गियर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। चल चल सामने देख, सामने देख। बचपन, बस बचपन के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। हाँ दिखाइए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग। मेरी पैंट भी खुल सकती है नीचे से। अरे ये गांव का नाम क्या है? मुठुर। यार ये कुत्ते आ रहे बहुत तेज दौड़ के। ओ माय गॉड, बस 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 बस। ओए हस्की है क्या? सॉफ्ट है। हाँ बस बस। राम राम जी। हाँ। ये हमारा गांव मुठुर था। हाँ। अभी हम अपने खेतों में आए हुए हैं जहाँ पे गन्ने की कटाई हो रही है, हाँ। और अभी हम आपको ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे। जो बोलना है, जो बोलना है। तब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। आइए पहले पहले आप बैठेंगे। हाँ। चलाया नहीं था? ना कभी नहीं चलाया मैंने। होता है स्टार्ट और ये लो एंड हाई। हाँ। लो में चलाएंगे तो लो में चलेगा, हाई में चलाएंगे हाई। और ये क्या है? न्यूट्रल। और ये मीडियम। ओके ये है क्लच है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर। हाँ, ओके। और ये यही दो एक्सीलेटर है वो। अच्छा, और ये ब्रेक है। दोनों ब्रेक है। अच्छा ठीक है। और ये गियर ठीक है। चल चल सामने देख, सामने देख। सामने देख। पागल बना रहे हो लोग। ओके इतने पागल में चला लूंगी। तेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे घुमा। हाय कितना मजा आ रहा है।
मत दे बस, आराम से। नहीं नहीं मैं नीचे उतरूं कुछ भी नहीं करना तेरे को, मेरे पैसे ही चलते रहना ठीक है, ना रेस छेड़नी है, कुछ भी नहीं करना। दबा ले चल, थोड़ा आराम आराम से छोड़ दे, लगा केले से लगा के लगा चल। छोड़ 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 चल केले दबा, इसका कुछ और ही फंक्शन है मुझे लगता है। नहीं चल छोड़ आराम से, ओके हाँ देखा इसका कुछ और फंक्शन है ना, ज़्यादा डिजिटल ट्रैक करेंगे। आवाज़ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, ट्रैक नहीं है, आवाज़ होती है बस बस। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, अगर तू संभाल सकती है तो आवाज़ नहीं कर रहा क्यों करेगा, अब नहीं करेगा आवाज, अब तेज चलेगा ये, ओके अब आवाज करेगा मालूम पूरा ठीक है, बैक करूं हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, चढ़ा दूं पूरा, हाँ हाँ कोई नहीं करेगा। आराम से आराम से, हाई 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 है ना, हाई हाई आ कितना मजा, बस रोक दे क्ले दबा क्ले चोर ये, हाँ बस अब आराम से ही चला तो दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। ओके हाँ कर दो, और इसे बस बस इसे न्यूट्रल कहाँ से करते हैं, ये हो गया न्यूट्रल, हाँ ठीक है, अब नीचे उतर के इसमें माचिस की तीली भी है जिससे हम आग लगा सकते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर हरियाणा के भी है, कैसी बातें कर रहे हो आप, जिससे हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ तो मेरे ट्रैक्टर चलाने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मेरी फट गई बहुत बढ़िया से। लेकिन हमारे उसको क्या कहते हैं ट्रेनर जो है वो अच्छे थे, रिस्क जान हथेली पे आ गई थी ना जब वो वैसे ही ज्यादा डिजिटल ट्रैक्टर है, जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो थोड़ा वैसे वाला था, ट्रक वाला जो होता है ना, लेकिन ठीक है अब इस पे हम डांस करेंगे। हा? ये बजेगा क्या, The Bluetooth device is ready to play. ओहो, मैं डर गई, गाने बजाने पड़ेंगे, बजेगा फोन से कनेक्ट है अब बजेगा गाना, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, और आप लोगों को आई होप मेरा ट्रैक्टर चलाने का स्टाइल बहुत घटिया लगा होगा क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सपना चौधरी मैम को देख के मैं पागल हो गई थी, मजा आ गया मेरे को तो। ये अपडेटेड मॉडल है ना, ओके अब ये इनको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे है ना। बोलिया 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 क्या देख रही है, देखिए इसकी बनाई है वीडियो। Hey
बहुत फास्ट है वो, ये हमारी तरफ तो नहीं आ जाएगा। कितने आराम से लेके गए ना यार। हाँ। ओके गन्ना चला गया, ये बताइए आप लोग तो खा लिए, मेरे लिए है कि नहीं? हाँ। है ना, सारा रस निकाल दूंगी। ओहो ये भी इसमें भी मजा आता ना, जब हम छोटे थे ना तो ऐसी जो ट्रॉली नहीं होती है उसके पीछे लटक जाते थे। आपने किया बचपन में ऐसा है? किया है, चोट लगी है? ठीक है करती हूँ। कहाँ से? अच्छा तो आप लोग कहाँ से आए? लखीमपुर खीरी। सीरी लखीमपुर खीरी। खीरी अच्छा, तो ये आप लोगों का यू मतलब गन्ना काटना गन्ना छीलना काम है? छीलना दांत से? नहीं ऐसे। अच्छा दिखाइए किससे। अच्छा इससे छीलते हैं ये वाला। हाँ। इसको तो वो कहते हैं हाँ दांत। हाँ और ये क्या है? ये काटने वाला। ओ भाई खतरनाक है। हाँ तो इससे ऐसे काटते हैं, काट के दिखाएंगे? काट के दिखाऊं? हाँ काट के दिखाइए। मैं चार पांच लेके जाऊंगी। जड़ कहाँ है इसका? अच्छा ओहो इसे आपके हाथ आप लोगों के हाथ पैर में चोट नहीं लगती? अच्छा इसको काट दिया, अब इसको छीलते कैसे? कटते हैं हाँ हाँ छील के दिखाइए कैसे छीलते इसको। अच्छा अच्छा तो आप लोग कैसे आते हैं यहाँ पे उसको सैलरी पे जॉब? पैसे के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से जितने क्विंटल। वो ट्रैक्टर पे जो गया वो कितने क्विंटल का था? वो होगा 120 क्विंटल। हाँ अच्छा तो वो उसका कितना हुआ? 50 रुपये क्विंटल जोड़ लो, 55 में जोड़ लो। मेरा मैथ बहुत बेकार है। कितने मतलब 120 क्विंटल कितने हजार रुपए? मान लो ऐसा हुआ कि इसे मान लो 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से जोड़ दीजिए 120 रुपए का। हाँ इतना मतलब एक क्विंटल काटेंगे आप लोग तो 50 रुपए मिलेगा? हाँ, हाँ, एक क्विंटल बस। हाँ, 50 मिलेगा, 120 काटा दिन भरे में। हाँ, सारा लाद दिया तो कितना रुपए हुआ? अब मान लो क्विंटल का 5000। अच्छा 120 55। बस 55 के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं? हाँ दिखाइए इतनी मेहनत करते हैं आप लोग? सब पड़ जाते लेते हैं। पालने हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा। इतना मेहनत करने के बाद हम लोगों को चीनी और गुड़ खाने के लिए मिलता है, बताया मेहनत आप लोगों का और रईसी हमारी। बुआई भी करना पड़ता है, कचलाई भी करना। हाँ बुआई कैसे करते हैं? इसका पौधा आता है या बीज? नहीं इसी को डाल मतलब इसको इसी को डालते हैं। हाँ उसी में। अच्छा ये जो है इसी को गाड़ देते हैं? ये जो इसमें आँख है ये आँख। हाँ 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 जो खट्टा खट्टा लगता है मुंह में जाने पे ये। और इसको मना किया जाता है ना खाने के लिए? नहीं 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 इसे कुछ नहीं मना करते, इसका तो रस लोग आप पीते हैं। आँख आँख बता रहे हैं, आँख कुछ नहीं होता, आँख तो इसे इसका पौधा निकलता है। अच्छा ये पौधा है, ये आँख का पौधा है। अच्छा पौधा है ऐसा होता है फिर ये गन्ना हो जाता है। ओके मतलब ये एक बार लगाने पे 3 बार खेती होती है इसकी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलिए भगवान आप लोग की रक्षा करे। और इसमें जंगली जानवर भी होते हैं मैंने सुना, सियार होते इसमें हैं? होते हैं
अच्छा फिर आप लोगों ने सबसे खतरनाक जानवर वो एक होगा, मैं लोग आठ हूँ, क्या करेगा वो। हाँ सही बात है, जो आठ आदमी है, हथियार गड़ासी सब है साथ में, इतना प्रयोग डरने से रहना पड़ेगा। और सांप वाप वो होते वो सब भाग जाते, देखो इतना धमाधम बेचता है कांटे में। अच्छा तो गन्ने की इन्फॉर्मेशन ये थी। तो आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? 15 साल निकल यहाँ नहीं, कहीं यहाँ है, इन साल कहीं 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 ऐसे रहते। चलिए ठीक है। और ये घर जैसा बना हुआ ना, कितना अच्छा लग रहा है, है ना? इसके अंदर जाके देखो। इससे तो हाथ वाथ भी कटता होगा ना? तो कुछ इस तरह की होती है गन्ने की खेती, और कितना हार्ड वर्क होता है इन लोगों का। और रईसी हम दिखाते हैं, इसलिए कहा जाता है रिस्पेक्ट लेबर, रिस्पेक्ट फार्मर्स। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, ये है मूथल गांव, मैं हूँ हरियाणा में। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा एक्सपीरियंस है ट्रैक्टर चलाने का। मैंने चलाया और यहाँ पे मुझे ब्लॉग बनाना था, तो मुझे पता चला यहाँ पे गन्ने की कटाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे चली आई और ट्रैक्टर चलाया। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और सनसेट हो रहा है। ओके तो अब मैं चलती हूँ घर अपने कुछ खा पी के। तो थैंक यू सो मच फॉर 1 लाख होने वाला मेरा सब्सक्राइबर, उसके लिए एंड आई लव यू सो मच फॉर दिस इज़ फॉर माई यूट्यूब फैमिली, आई लव यू, सी यू। आई होप मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाती रहूँगी, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। चल 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 आजा भाई। ये लोग मुझे ब्लॉग बनाने के पीछे ना पैसे मांग रहे थे, मेरे पास है नहीं, तो ये गन्ना ढो रहे। नहीं मजाक कर रही हूँ, ये गन्ना मैं अपने फैमिली के लिए लेके जा रही हूँ, ये बहुत भारी है। ये गिर भी सकती हो, ये तो चुभ रहा है। मेरी पैंट भी खुल सकती है नीचे से। ले ना, कितना भारी है ये। गंदा हुआ ये ना ठीक, मैं ज्यादा ही पतली हो गई हूँ मुझे लगता है।